दोस्तों, चूहे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। चूहों को आमतौर पर खतरनाक बीमारी फैलाने वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है, जो प्लेग की महामारी पैदा करने और हर घर के मालिकों के लिए मुसीबतों का भार लाने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम चूहों की प्रजातियाँ शायद भूरे और काले चूहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रजातियाँ संपत्ति के नुकसान और स्वास्थ्य से जुड़े खतरों के लिए जाने जाते हैं। वो इसलिए कि इनसे निपटने में जो चीज़ मुश्किल होती है वो ये है कि ये चूहे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसी वजह से ये चूहे घर वालों के बहुत बड़े दुश्मन माने जाते हैं। ये कुतरने वाले तारों से लेकर बिलों तक सारी परेशानियों का कारण यही होते हैं, और अगर आप इन्हें अपनी संपत्ति पर देखते हैं तो इन्हें जल्दी से भगाने के लिए आपको बेहतर काम करना होगा। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चूहों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चूहे ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन इनके सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ही तेज होती है, जो कि दूसरे जानवरों की तुलना में बहुत ही बेहतर होती है। ये चूहे अपनी नाक की मदद से वातावरण में होने वाले बदलाव और परिस्थितियों का आकलन कर लेते हैं, जिसके कारण ये अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लेते हैं। ये चूहे कहीं भी आसानी से फैल जाते हैं, और ये उन जगहों पर जल्दी से कब्जा कर लेते हैं जहां इन्हें खाना, पानी और आश्रय आसानी से मिल जाता है, और साथ ही ये उन रास्तों पर तबाही मचाते चले जाते हैं। ये चूहे अक्सर दीवारों, गैरेजों, छतों, अलमारियां, बेसमेंट, सिंक के नीचे या फिर कचड़े कूड़े वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर गर्म जलवायु में रहना पसंद करते हैं, हालांकि कुछ चूहे होते हैं जो ठंडे जलवायु में रहना पसंद करते हैं। ये चूहे शहरी क्षेत्रों में मनुष्य के करीब घोंसला बनाते हैं, हालांकि कुछ प्रजातियाँ होती है जो ज़मीन के अंदर छिपना और रहना पसंद करती है। दोस्तों, चूहे एक गंभीर समस्या है, और अगर एक बार ये आपके घर में अपना घर बना लेते हैं तो उसके बाद इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसका एक कारण ये भी है कि ये बड़ी तेज़ी से अपने परिवार को बढ़ा लेते हैं। तो चलिए अब इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन 10 से 15 मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि चूहों के गर्भावस्था की अवधि लगभग 20 से 22 दिनों की होती है, और जैसे ही इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चों को जन्म देना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ये चूहे एक बार में 7 से 8 बच्चों को जन्म दे देते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कभी कभार इनके घोंसलों में 10 से 12 बच्चों को भी देखा गया है, और इस तरह ये एक साल में लगभग 2000 बच्चों को जन्म दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैसे ही ये अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं, उसके 10 से 15 दिनों तक ये बच्चे पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि जन्म के समय ये बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं,
और इनकी आंखें भी नहीं खुली होती, जिसके कारण ये अपने भोजन के लिए अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। और अगर बात करें इनके भोजन की, तो ये चूहे सर्वाहारी होते हैं और ये सभी तरह की चीज़ों को खाने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही 10 से 15 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद इनकी आंखें खुल जाती है और इनके कान भी विकसित हो जाते हैं और इस समय इन्हें पिल्लों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ये पिल्ले इधर उधर फुदकने लगते हैं और अपने जीवन की शैली को सीखने लगते हैं, जिसमें खाना पानी खोजने, अपने रहने और अपने दुश्मनों से बचने का तरीका शामिल होता है। और इस तरह पूरे 3 महीने बीत जाने के बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये मिलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ही ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इन चूहों का जीवन काल 2 से 3 वर्षों का होता है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो जंगली चूहे होते हैं वो अपने शुरुआती पहले साल के अंदर ही मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें जंगलों में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बिल्ली, कुत्ते और बहुत से शिकारी पक्षी शामिल होते हैं, जिसके कारण वो बड़ी मुश्किल से 1 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।